तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका भाई लेकर आ गया है रिपब्लिक डे स्पेशल एक और फीचर एडिटिंग ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज का हमारा फीचर एडिटिंग है बहुत ही आसान स्टेप में होने वाला है। सो गाइस, वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना। आप इस वीडियो को देखने के बाद आसान तरीके से अपना फीचर है वो एडिट कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपना पिक्सआर्ट है उसको गाइस ओपन कर लेना है। तो अगर गाइस आपके पास मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो गाइस इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां पर जाकर आप मुझे डीएम करके मेरे वाला पिक्सआर्ट ले सकते हो। तो देखिए गाइस, पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइस आपको प्लस के आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ से गाइस आपको एडिट फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। सो उस पर गाइस क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस, हमारा बैकग्राउंड है वो पहले से तैयार है। सो उस बैकग्राउंड को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, बैकग्राउंड आ जाने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन का रोटेशन है उसको गाइस ऑन कर लेना है और अपने मोबाइल को गाइस कुछ इस तरह से टेढ़ा कर लेना है, रोटेट कर लेना है, जिससे हमें पिक्चर एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। और अब गाइस नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से गाइस हम ऐड फोटो के ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो गाइस, अब आपको यहाँ पर अपना पिक्चर है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, आपको यहाँ पर अपना पीएनजी पिक्चर है वही सिलेक्ट करना है। तो गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो होगा कुछ इस तरह से आपको अपना सिंपल सा पिक्चर शूट कर लेना है और उसका गाइस पीएनजी इमेज बना लेना है। तो अगर गाइस आपको अपना पीएनजी इमेज बनाना नहीं आता है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसे देखकर आप अपना क्लियर एचडी पीएनजी इमेज बना सकते हो। तो गाइस, मेरे पास एक मॉडल का पीएनजी इमेज है तो उसको गाइस हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, आपको अपने पिक्चर को यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेना है और यहाँ पर गाइस सेट कर लेना है। सो मैं इसको यहाँ पर इतना सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा गाइस जूम कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आपको अच्छे से अपने पिक्चर को सेट कर लेना है और गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पर चले जाना है। सो गाइस, अब आपको हैप्पी रिपब्लिक डे का एक टेक्स्ट इमेज मिलेगा और एक गाइस आपको अपने इंडिया के फ्लैग का पीएनजी इमेज है। सो दोनों पिक्चर को गाइस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है और देखिए गाइस, इस पिक्चर को आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। थोड़ा सा गाइस पिक्चर को छोटा कर देंगे और इस पिक्चर को गाइस यहाँ पर सेट कर देंगे। सो दोनों पिक्चर को गाइस यहाँ पर सेट कर लेना है और गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो गाइस, अब आपको एक स्मोक का और गाइस एक आपको ब्लैक बैकग्राउंड है उसका पीएनजी इमेज है। सो उन दोनों पिक्चर को गाइस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम स्मोक पिक्चर पर क्लिक करेंगे और इसको गाइस थोड़ा सा हम यहाँ पर जूम कर लेंगे और फिर गाइस इस डॉट से पकड़ कर आपको पिक्चर को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है अपनी स्क्रीन के हिसाब से। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। तो इसको इतना सेट कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करना है गाइस और यहाँ से गाइस ब्लेंडिंग मोड पर जाना है और इसको गाइस स्क्रीन कर देना है। तो स्क्रीन करने के बाद गाइस, अब हम यहाँ पर ब्लैक शैडो पिक्चर पर क्लिक करेंगे और इसको भी गाइस यहाँ से हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे कुछ इतना और इस डॉट से पकड़ के गाइस पिक्चर को यहाँ से बड़ा कर लेंगे हम। और फिर गाइस यहाँ से आपको अपनी स्क्रीन के हिसाब से पिक्चर को यहाँ पर सेट कर लेना है। सो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और फिर गाइस यहाँ से आपको सेट कर लेना है। सो इसको इतना सेट कर लेना है गाइस और फिर गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देंगे और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पर जाएंगे। तो गाइस, अब आपको एक स्नोफॉल का पीएनजी इमेज है उसको ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड और जितने पीएनजी इमेज यूज़ करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर गाइस वहाँ पर आपको डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको इमेज सब प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए गाइस, इस पिक्चर को आपको यहाँ से कुछ इतना जूम कर लेना है अपनी स्क्रीन के हिसाब से। तो मैं इसको इतना जूम कर लेता हूँ और फिर गाइस यहाँ पर सेट कर लेना है और इतना करने के बाद गाइस नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से गाइस ब्लेंडिंग मोड पर जाना है और इसको गाइस स्क्रीन कर देना है। सो स्क्रीन करने के बाद गाइस, अब आपको यहाँ पर देखिए डबल लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइस क्लिक कर देना है और इसको गाइस यहाँ से मूव डाउन कर देना है। सो अब गाइस यहाँ से आपको इसका एक और डुप्लीकेट पार्ट बना लेना है और इसको गाइस यहाँ पर सेट कर लेना है। सो इतना करने के बाद गाइस इसके भी यहाँ से मूव डाउन कर देना है और गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर गाइस आपको राइट के निशान पर टिक कर देना है। सो गाइस, देख सकते हो हमारा पिक्चर अब वो नॉर्मल बेसिक एडिट हो गया है। सो चले गाइस, अब इसमें थोड़ा कलर टोन चेंज करते हैं, पिक्चर में थोड़ा और क्वालिटी बढ़ाते हैं। इसके लिए गाइस सिंपली हम यहाँ से टूल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर गाइस आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइस क्लिक कर देंगे और यहाँ पर गाइस इसका सेटिंग है जो कुछ इस प्रकार से करेंगे। सो ब्राइटनेस को गाइस थोड़ा सा कम कर देंगे और कॉन्ट्रास्ट को गाइस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और क्लैरिटी को गाइस बढ़ा लेंगे और सेचुरेशन को गाइस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, काफ़ी हैवी है। सो अब गाइस आपको यहाँ से हाईलाइट्स पहना है और हाईलाइट्स को गाइस थोड़ा सा कम कर देना है और शेडो को भी गाइस थोड़ा सा यहाँ से कम कर देना है और फिर गाइस टेम्प को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और फिर गाइस यहाँ से राइट के निशान पर टिक कर देना है। सो गाइस, देख सकते हो हमारा पिक्चर अब तैयार हो चुका है। सो चले गाइस, अब इसे गैलरी में सेव करते हैं। सो इसके लिए गाइस सिंपली हम यहाँ से एरो के ऑप्शन पर टैप कर देंगे
और यहाँ पर देखिए गाइस ऊपर आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, सो इस पे गाइस क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सो इस पे गाइस क्लिक करने के बाद हमारा पिक्चर है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे आपको किस पिक्चर का ट्यूटोरियल चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, भाई आपके लिए जरूर लेकर आएगा। और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में गाइस बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आपको भाई जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।